is sponsored by. मेरा नाम अखिलेश प्रसाद सिंह है, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में एमपी हैं, पहले भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार जब झारखंड एक साथ था तब भी मंत्री रहे हैं, और यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में मैं भेजा गया हूँ। हम लोगों का घोषणा है, यहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ 8 महीना पहले, हम लोगों ने वहाँ भी घोषणा किया था किसानों के लिए कि जो भी ऋण होगा किसानों का 2 लाख रुपए तक किसी भी किसान का, उस ऋण को हम लोग माफ़ करने का काम करेंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा 1700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित है, अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग उसको 2500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को देने का काम करेंगे। वहाँ भी ये कोई केवल घोषणा नहीं है, हम लोगों ने इसी तरह का घोषणा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में करने का काम किया था, और जब सरकार बनी तो 1 सप्ताह के अंदर सारे ऋण माफ़ हुए। जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल का घोषणा हुआ था न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी वहाँ के किसानों को मिला। लेकिन जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है, प्रायः सभी चीज़ों का उसी तरह से महंगाई बढ़ रहा है, चाहे वो सीमेंट का हो, लोहा का हो, सभी चीज़। पहला बार जब मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार चली कांग्रेस के नेतृत्व में, 7.5% GDP छोड़ के गए थे, और वो आज घटकर पिछला इस बार का जो तिमाही है वो 4.5% चला गया। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश किस तरफ जा रहा है। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलना, रोज़गार में लगातार कटौती होना। मैं धनबाद रीजन के सभी लोगों को दरख्वास्त करने आए हैं कि आप सभी JMM, कांग्रेस पार्टी, RJD और जो छोटी पार्टियां हम लोगों के साथ हैं, सभी कैंडिडेट को जिताने का काम करें, और एक नया झारखंड जो विकसित झारखंड के रूप में हम लोग देखते हैं, अगर सही में मायने में यहाँ सरकार ठीक से काम करे तो ये नंबर 1 स्टेट बनने की क्षमता रखता है। तो यहाँ की कैंडिडेट हैं श्रीमती श्वेता सिंह, डायनेमिक लीडर हैं, इसके परिवार का बोकारो बनाने से लेके यहाँ के विकास में बड़ी भूमिका रही है, निश्चित रूप से ये जीतेंगी यहाँ। और प्रायः सभी जो 5 कैंडिडेट इस रीजन में कांग्रेस के हैं, सब लोग जीतेंगे और सरकार में भागीदारी हम लोगों की रहेगी। लोग मदद करें और इस सरकार को बदलें, नई सरकार बने ताकि बोकारो, धनबाद और इस पूरे रीजन का विकास हो सके। महिला होने के नाते निश्चित तौर पे मेरी जो प्राथमिकता होगी वो महिलाएं ही होंगी, जिसके तहत मैंने अपने संकल्प में, जब मैंने जो बोकारो असेंबली के लिए अपने एक अलग से मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें मैंने अपने संकल्प में दिया है कि महिला की सुरक्षा हेतु उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के को ध्यान में रख के हम लोग एक महिला क्लब का निर्माण करवाएंगे। जैसे कि रांची में घटना घटी, आप लोग भी मालूम हो उस तरह की घटनाएं आगे नहीं घटे जी, इसके लिए आप विशेष रूप से निश्चित तौर पे जो प्रियंका रेड्डी जी के साथ भी हुआ, और आए दिन जो हमारे समाज में समाज विकास कर रहा है, लोग विकास कर रहे हैं, सही बात है, किंतु आज भी महिलाएं हमारी बहुत असुरक्षित हैं। तो निश्चित तौर पे मेरा संकल्प होगा और मैं महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करूंगी, जिससे समाज में महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। चैलेंज मेरे लिए जो यहाँ पर है वो यहाँ के लोगों में जो निराशा हो गई है, जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ लोगों ने पिछला प्रतिनिधि अपना चुना था और रिकॉर्ड वोट से वहाँ के प्रतिनिधि वो यहाँ के बने, किंतु उतनी ही ज़्यादा लोगों की यहाँ पे निराशा मिली। तो मेरी चुनौती ये है कि लोगों पे वो विश्वास वापस प्रतिनिधि पे अपने जगाना, और इनके लड़ाई के साथ, इनके सुख दुख के साथ ही हम बनेंगे, ये भरोसा लोगों को दिलाना कि अभी हम लोग जिंदा हैं और इनके समाज के विकास के लिए, अपने परिवार के लिए अभी हम लोग सभी साथ हुए हैं।